अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो देसी खाने एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है एक और नई रेसिपी लेकर। आज जो है मज़ेदार एक चिकन सैंडविच की सादा सी रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं आज की मज़ेदार रेसिपी के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इस तरफ देखिए, हमने जो है थोड़ा सा चिकन बोनलेस लिया था, उसको हमने उबाल के उसके रेशे बना लिए हैं। साथ में ब्रेड के पीसेज यूज़ करेंगे और इस तरफ है मायनीज़ और टमाटो केचप, हसबे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आपने जो थोड़ा सा जो है चिकन लिया है जिसे उबाल के आपने रेडी किया है, उसके अंदर जो है खीरा डालेंगे और बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा जो है आपने इसके अंदर लहसुन भी ऐड कर देना है। साथ में हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च ऐड करेंगे। इसके बाद मायनीज़ जो है वो इसमें डालेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हाफ़ लीमू जो है वो आपने लेके उसका रस निचोड़ लेना है। अच्छे से यहाँ पे मिक्स करेंगे सारी सब्ज़ियाँ। तो चिकन जो था वो तकरीबन समझ लीजिए 1.5 पाव के बराबर हमने जो है उबाल के फिर उसके रेशे बना लिए थे। तो अभी देखिए 2 से 3 चम्मच यानी टेबलस्पून के बराबर आपने मायनीज़ ऐड करनी है। सारी चीज़ों को आपस में मिक्स करके रख देंगे, हमारी फिलिंग जो है वो रेडी हो जाएगी। उसके बाद आपने ब्रेड लेके उसके जो किनारे हैं वो सारे आपने उतार देने हैं और जो दरमियान वाला हिस्सा रह जाएगा उसका हम सैंडविच बना के रेडी करेंगे। तो सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले नीचे एक लेयर लगा देंगे बटर की। अगर बटर अवेलेबल हो तो जो है यूज़ कर लीजिए, अगर नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इसकी जगह आप जो है क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। तो नीचे बटर की लेयर लगा लेने के बाद हमारे पास जो मिक्सचर है उसकी फिलिंग करेंगे और फिलिंग करने के बाद इसके ऊपर जो है वो कवर दे देंगे। ये हमने देखिए कवर लगा दिया। अब इसकी कटिंग करते हैं। बिल्कुल आराम से आपने दरमियान से इस तरह से इसको काट लेना है और आपका मज़ेदार चिकन सैंडविच रेडी हो जाएगा। सिंपल सी रेसिपी है व्यूअर्स, चाय वगैरह के साथ आप ले सकते हैं, बहुत मज़े की बनती है।